ओ ये क्या? क्या हुआ? ताला लटका हुआ है। तुम आ रहे हो इस बात से डर कर चले गए होंगे। चाबी कहाँ होगी मुझे पता है। पिताजी को न मिले इसलिए माँ ऐसी ही किसी जगह पर छुपा के रखती है। हम एक काम कर सकते हैं? क्या? मिली? नहीं। देखिए क्या? हाथ नहीं पहुंच रहा है। नहीं। देखी देखी। नहीं। दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। हाँ मिल गई। हेलो। बहुत हुआ, अब नीचे उतारोगे? हाँ आ जा। देखो यही वो जगह है जहाँ मैं अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी है। तुम आ जाओ तो मैं किचन दिखाता हूँ। अरे भाई खाना बनाओगे तो उसकी जरूरत तो पड़ेगी ना। आ जाओ आ जाओ। तुम्हारा घर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, फिर से बांध के दिखाओ ना। उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है। भद्रा मुझे भूख लगी है। अरे रे, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे खाना बनाना आता है? ओह अच्छा, जाओ 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 तो बनाओ जाओ। पैर धोने के लिए पानी लाओ। प्यास लगी है, पीने के लिए पानी लाओ। लाओ बेला। बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना तैयार करो। आशीव, आशीव। आज तो दर्शन अच्छी तरह से हो गए। हाँ माँ। ये क्या लीला है, तुम अंदर खाना बनाने गई थी, तुम बाहर से कैसे चली आ रही हो? ओफो, मैं तो अभी आ रही हूँ। आप कब आए? तुम अभी आ रही हो? फिर वो लोटा और ये गिलास? कौन सा लोटा कौन सा गिलास, मैंने तो आपको पानी नहीं दिया। अरे सच कह रहा हूँ, पैर धोने के लिए पानी दिया, पीने के लिए पानी दिया है। मैंने? हाँ। अरे 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 अरे, ये तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया, जल्दी से जाकर डॉक्टर बुला कर ला। मैं फोन करता हूँ। ए रुक तू, ये सब किसने किया होगा? तुम्हें अपने बेटे से अब भी प्यार है, तुम उसका कितना ख्याल रखती हो माँ। माँ माँ, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूँ माँ। माँ मेरी एक ही ख्वाहिश है माँ, मुझ पर ममता दिखाने के लिए एक बार, सिर्फ एक बार सामने आ जाओ माँ, एक बार सामने आ जाओ, एक बार सामने आ जाओ माँ, बस एक बार सामने आ जाओ, एक बार। पिताजी, दादी। आपकी माँ ऐसे बाल खोलकर क्यों आ रही है जी? मुझे क्या पता, पर डरो मत, वो मेरी माँ है। पिताजी, दादी से जाने के लिए कहो ना, देख तो लिया। ए, ये सब क्या करता रहता है तू? ये तेरी दोस्त हुई तो क्या, एक कुंवारी लड़के को लेकर गली गली में घूमेगा तू? दुनिया क्या कहेगी, सब लोगों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अंकल सॉरी, मेरी वजह से आप लोग आपस में झगड़ा मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात मान लीजिए। क्या है ये? खीर खा लीजिए। खीर खिला के ये मत सोचना कि तुम हम लोगों को पटा सकती हो। वो बात नहीं है अंकल, आज का दिन आपके लिए स्पेशल है ना? कोई खास स्पेशल नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि वैसे आज ही के दिन मुझे ज्ञानोदय हुआ था। वो कैसे? वो तुम्हें क्यों बताऊं? आज का दिन कौन सा है? 2 अप्रैल। अप्रैल 2 के दिन आपका स्पेशल क्या था? अरे 1 अप्रैल को सब फूल बनाते हैं, और 2 अप्रैल को इनसे शादी करके मैं फूल बन गया था। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है। अंकल आंटी को पटाने के लिए ही तो मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है। बेटी
आज हमारी शादी की सालगिरह है, ये बात भद्रा ने बताई ना? नहीं आंटी, वहाँ पर आपकी शादी का फोटो देखा ना। ये बात है। ए भद्रा, लाइफ में तूने ये काम तो बहुत अच्छा किया। अब जब तू इस बच्ची को अपने गांव में लेकर आया है तो इसको गांव की सैर नहीं कराएगा। भद्रा, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। अबू, अरे बेटा, तुम्हें यहाँ कौन लाया? अंकल के साथ आए। अंकल? आप भी तो जानते हो अंकल को। हेलो। हेलो, कैसे हो भाई? हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई? गला कैसा है अब तुम्हारा? बच्ची को मैं ही ले गया था। वो क्या है कि तुम्हारे दुश्मन बहुत है ना, तो जरा खुद को संभाल कर रखना, होशियार रहना और फैमिली को संभालना। गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो नहीं तो पछताओगे। पता है ना, शेर को ही सवा शेर मिलता है। सिर्फ मेरी ही फैमिली नहीं है, उसकी फैमिली का पता करो, जाओ। ऑटो में चले क्या? ठीक है पिताजी। अरे भाई, एमसीआर कॉलेज का पता है क्या? मैं शहर में नया नहीं हूँ, मुझे पता है। वो तो हमें भी पता है। तो कितना लोगे? अभी कुछ नहीं लूंगा, आपको पहुंचाने के बाद मीटर में जितना होगा उतना ले लूंगा। ये ईमानदार ऑटो वाला है। चलो आ जाओ। हाँ चलिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। आ जाइए। अरे ये तो वही लड़की है जो अपने भद्रा के साथ अपने गांव में आई थी। हाँ वही है पिताजी। अरे काव्या, काव्या, अरे सुनो, उस लड़की का पीछा करो जरा। अपनी उम्र का तो लिहाज करो बाबू जी। अरे तुमने क्या समझाया मुझे, वो मेरे बेटे की होने वाली बीवी है। काव्या, तुम लोग मेरे ही आदमी हो क्या? पूरा दिन भाई भाई कह के मेरे पीछे चमचागिरी करते रहते हो। ये सिर्फ एक आदमी का एड्रेस निकालना था, वो भी नहीं होता तुमसे, बस दिन भर यहाँ बैठकर ढूंढते रहते हो। पहचाना कि नहीं? कैसी हो बेटी? अरे अंकल आप यहाँ? अरे बेटी, हम पूरे रास्ते तुम पुकारते आ रहे थे लेकिन तुमने सुना ही नहीं। अंकल वो ट्रैफिक में ना आवाज सुनाई नहीं देती है इसलिए। कोई बात नहीं बेटी, हम यहाँ आकर के तुमसे मिल लिए, अच्छा लगा। मिल लिए ना, बातें भी हो गई है, तो अभी आप लोग जाइए। ये क्या कह रही हो बेटी, जब हमारे घर आई थी तो हमने कितनी मेहमान नवाजी की थी तुम्हारी। शहर की है ना लड़की पिताजी, बात करना मिलना ये सब नहीं जानती है। काव्या, ये सब कौन है? ये मेरे कॉलेज फ्रेंड के, वो कॉलेज फ्रेंड के फादर। ब्रदर, बिग ब्रदर। आइए अंदर आ जाइए। शहर में भी एक अच्छा सिटीजन मिला है। अंकल, अंकल प्लीज सुनिए, पहले मैं गार्डन दिखाती हूँ, वहाँ भी एक गेट है, वहाँ से ऑटो पकड़वा देती हूँ, फिर आप लोग किसी होटल में रह लेना। पर क्यों बेटी, क्यों जाऊँ मैं होटल में? भाई मुझे होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम्हारे घर में आए हैं, तुम्हारे घर में खाना खाएंगे और उसके बाद जाएंगे। खाना खा कर जाएंगे आप लोग? ठीक है चलिए। अरे चलो। बहुत बढ़िया खाना था, सिटी सांभर खाकर तो मंडी यात्रा की याद आ गई भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग मंडी यात्रा के हैं? बचपन से ही सर, मंडी यात्रा हमारी जगह है, पूरी फैमिली मंडी यात्रा में रहती है। ये आपके गले पे चोट का निशान है क्या? हाँ, ओ नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो आजकल डिजाइन चलता ना, वो क्या कहते हैं, टैटू, हाँ वही है। देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काटा है। वो कौन है मुझे बताइए, मैं देख लूंगा उसे। आप एक शांत इंसान हो इसलिए शांत हो गए, अगर मैं होता तो उनकी पूरी फैमिली को दौड़ा दौड़ा कर मारता, उनका पीस पीस काट कर कुत्तों को खिला देता मैं। फैमिली। अंकल आपके बस का टाइम हो रहा है। हाँ हो गया, हो गया बेटा। चलो बस का टाइम हो रहा है। हम चलते हैं। संभाल कर वो देना जरा। ये लो बेटी, इसमें हमारे साथ खिंचवाई हुई फोटो है। और क्यों अंकल? ले लो बेटी, इस शहर में मैं सिर्फ तुम्हें ही जानता हूँ, कॉलेज ले जाना, सबके साथ मिल बांट के खाना। चलता हूँ सर। मेरी राइस मिल देखना चाहेंगे? बस का टाइम हो गया, चलते हैं। चलते हैं, अच्छा परिवार है बेटी तुम्हारा, मिलकर बहुत अच्छा लगा। फुल ट्रेडिशनल फैमिली है। Oh,
भाई, भाई, उसकी फैमिली इसी शहर में आई हुई है। पता है मुझे। अबे, वो इसी शहर में ही नहीं, अभी तक यहीं मेरे सामने बैठे थे। अब जा, जाकर पकड़ उन्हें। ठीक है भाई। सभी मंडी यात्रा के हैं ना, जिएंगे भी साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ।